इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी आज एमपी में हैं और आज उनकी रैली है टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ में राहुल गांधी आज रैली करने वाले हैं, टीकमगढ़ पहुंचने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी राहुल गांधी ने करार दिया है। टीकमगढ़ में रैली है राहुल गांधी की, जहां पर कि उन्होंने कहा है कि लाखों लोगों को नोटबंदी ने बेरोजगार कर दिया है। टीकमगढ़ में राहुल गांधी की रैली है, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है, मोदी आपकी जेब से छीनता है पैसे, ये कहना है राहुल गांधी का। और इस फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक उपाध्याय, ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत करते हैं। जी अशोक उपाध्याय जी, जिस तरीके से अब राहुल गांधी ने बयान दिया है नोटबंदी पर, अक्सर वो सरकार को घेरते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आपकी बिल्कुल, आज राहुल गांधी टीकमगढ़ दौरे पे, आज उनकी चुनावी रैली भी थी आज, और उन्होंने मंच से कहा कि ये जो मोदी सरकार ने नोटबंदी की, तो उससे कहीं ना कहीं लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं और इस पर धंधे पर भी बहुत खासा असर भी पड़ा है। और आज उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं भी की है, और उसके बाद इनकी दमोह की पथरिया में भी एक रैली है, और 4 बजे पन्ना जिले के जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं स्थानीय नेताओं से मुलाकात भी होगी, और शाम को इनके साथ कमलनाथ भी मौजूद है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, क्योंकि छिंदवाड़ा का चुनाव खत्म हो गया तो कमलनाथ जी भी राहुल गांधी के साथ चुनावी दौरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही चुनावी पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि नोटबंदी को लेकर जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की गई है राहुल गांधी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, राहुल गांधी आज एमपी दौरे पर हैं और टीकमगढ़ में आज उनकी रैली थी। इस रैली के दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है और नोटबंदी ने कई लोगों को बेरोजगार किया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसा है, उन्होंने पीएम मोदी को घेरे में लिया है और कहा है कि मोदी आपकी जेब से पैसे छीन रहा है। कहीं ना कहीं लगातार नोटबंदी पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है।